झारखंड के गुमला जिले में बीआरपी सीआरपी महासंघ द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदर्शन कर संघ सदस्यों ने कहा कि एसडीपीओ द्वारा बेवजह बीआरपी एनसीआरपीओ को परेशान किया जा रहा है, जबकि बीआरपी एनसीआरपी का कार्य राज्य स्तर पर निर्धारित है। बीआरपी सीआरपी महासंघ ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर रोष प्रदर्शन किया। बीआरपी सीआरपी महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन में कहा गया कि समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीओ द्वारा बेवजह बीआरपी एवं सीआरपीओ को परेशान किया जा रहा है, जबकि बीआरपी एवं सीआरपी का कार्य राज्य स्तर पर निर्धारित है। राज्य स्तर पर निर्धारित काम के एवज में सगुन साधन सेवकों द्वारा प्रतिदिन काम किया जाता है। राज्य स्तर के कार्यक्रम से निर्गत पत्र में एक माह में न्यूनतम 18 विद्यालयों का भ्रमण करने का प्रावधान किया गया है, उसी की राशि उन्हें मिलती है, जबकि जिला स्तर पर मनमानी तरीके से पदाधिकारियों के द्वारा उतनी ही राशि में प्रतिदिन 3 विद्यालयों का अनुसरण करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के विरोध में महासंघ ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और कहा कि राज्य स्तर पर निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य किया जाएगा, यदि अधिक कार्य उन्हें दिया गया तो अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इधर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक सुरेंद्र पांडे ने कहा कि बीआरपी एवं सीआरपी महासंघ की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। गुमला जिला के अंतर्गत कार्य करने वाले सारे साधन से भी जिला शिक्षा पदाधिकारी सा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुरेंद्र पांडे जी से हम लोग मिल करके मैंने कल के निकले गए जो पत्र हैं हम लोगों के ज्ञानोदय योजना के तहत ई विद्यावाहिनी के अंतर्गत हम लोग संकुल साधन से भी जो है विद्यालयों का भ्रमण करते हैं और ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रतिदिन जो है हम लोग सबमिट करते हैं। इस संदर्भ में पूर्व में राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा दिए गए जो भी निर्देश हैं उनके अनुपालन के लिए हम लोग बाध्य हैं और इस पर जिला स्तर पर मतलब जो है एडीपीओ साहब के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव महोदय के द्वारा प्रतिदिन 3 विद्यालय का अनुसरण का मतलब निर्देश है और इस पर जो आदमी मैंने अनुसरण नहीं करेंगे तो मतलब उनके ऊपर मतलब दंडात्मक कार्रवाई होगी। स्टेट से गाइडलाइन है कि 18 विद्यालयों का अनुसरण करेंगे। कल सेक्रेटरी साहब की बैठक में निर्देशित हुआ कि पर डे 3 विद्यालय करेंगे, जो नहीं करेंगे उनका एक दिन नहीं किए वो मानदेय कटेगा, लगातार 3 दिन नहीं करेंगे तो उसके फलाफल पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी को लेकर के इन लोगों को अपना मेमोरेंडम दिए और इनका कहना है कि अगर हमारा उस रेशियो में पत्र है उसके अगर बढ़ाया जाता है तो उसके रेशियो में हमको पैसा मिलना चाहिए तो उसको हम करेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक सुरेंद्र पांडे ने कहा कि राज्य से इनको प्रतिमा 18 विद्यालयों का निरीक्षण करने का पत्र निर्गत है, लेकिन सचिव के निर्देश के आलोक में प्रतिदिन 3 विद्यालयों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। इसी के बाद इन्हें प्रतिदिन 3 विद्यालय निरीक्षण करने का पत्र जिले से निर्गत है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। काम के एवज में राशि बढ़ोतरी का मामला निजीगत मामला है, ये राज्य स्तर पर तय होता है और जिला स्तर पर कुछ नहीं करने की बात कही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।